हेलो, मेरा नाम सबीहा है और मैं 10 जनरेशन से कम हैदराबाद से हूँ। मेरी मम्मी की फैमिली वज़ीर सुल्तान वाले हैं, वज़ीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड, एंड मेरे डैडी अज़ीज़ जंग की फैमिली से हैं। और मेरे को ये पुरानी चीज़ों का, फ़ोटो एग्जिबिशंस का, पैलेसेस का बहुत शौक़ है। और मैं ख़ुद एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं हैदराबादी पुराने गारमेंट्स को रेप्लिकेट करती हूँ और हैदराबाद के बारे में एंटरटेनमेंट और कल्चरल शोज़ ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। फलकनुमा में मैं की हूँ एंड हॉलीडे इन पे, ताज कृष्णा पे, ये काफ़ी शोज़ मैं हैदराबाद पे की हूँ। राइट, आई थिंक ये कल्चरली रिच और हेरिटेज के प्रमोशन का बहुत अच्छा तरीका है। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं हमारा कल्चर और हेरिटेज। और आई थिंक हैदराबाद एक टूरिज्म मैप पे वो एक नए तरीके से ला रहे हैं, एंड आई रियली कमेंड द गुड वर्क दैट ही इज़ डूइंग। बिल्कुल, आई थिंक ये एजुकेशन का बेहतरीन तरीक़ा है। सिर्फ किताबों से ही एजुकेट नहीं किया जा सकता है, हिस्ट्री की किताबें पढ़ा के एजुकेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये बेहतरीन तरीक़ा है एजुकेशन का, टूरिज़्म को प्रमोट करने का, अपने हैदराबाद के कॉमर्स बढ़ाने का, हैदराबाद को वर्ल्ड मैप पे एज अ कल्चरल प्लेस लाने का। ऑलरेडी है लेकिन इन अ न्यू वे करने का, जो हमारे, मैं आपको बताई हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ टेकिंग इट टू न्यू हाइट्स। राइट, थैंक यू। आप कुछ सवाल करें तो मैं जा। ये डेक्कन हेरिटेज ट्रस्ट की तरफ से जो एग्जीबिशन है, ये ख़ास तौर पे महबूब अली ख़ान, जो डिज़ाइनर्स मीर महबूब अली ख़ान आसिफ जा सिक्स हैदराबाद के जो निज़ाम थे, उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी यानी कि पैदाइश के मौके पे उनकी ज़िंदगी के ख़ास तस्वीर, जिसमें उनकी एक जो ह्यूमन वो है रिलेशंस लोगों के साथ जो थे, अपने नौकरों के साथ कैसा, शिकार पे कैसे, या लोगों के साथ, वो तस्वीरों पे हम लोग ज़्यादा तवज्जो देके वो तस्वीरें हम लोग लगाए हैं। हमने कोशिश है, प्रिंसेस एस्ट्राजा और किशन राव साहब को रिक्वेस्ट करेंगे शायद एक दिन और परमिशन दे दें, लेकिन आज अगर उस नहीं हुआ तो ये एक ही दिन के लिए है। जी, इस तरह के कोशिश कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए ये एक किस्म का, देखिए कि क्या है, जो लोगों के एक महबूब अली पाशा के लिए एक लोगों के पास एक इमोशनल कनेक्ट है, उनके रूहानी एक मोहब्बत है, तो आप एक अच्छी चीज़ मेरे से पूछे, मैं इस पर गौर करूँगा कि महाराष्ट्र या कर्नाटका के वो इलाके जो किसी ज़माने में हैदराबाद स्टेट का हिस्सा होते थे, वहाँ पर भी ऐसे एग्जीबिशन करेंगे ताकि लोग देख के उनको जो है एक तो पुरानी यादें ताज़ा करना है, और दूसरे महबूब अली पाशा की जो अजीम शख्सियत जो थी, ख़ासतौर पे हम लोग इसलिए जो है, मैं अभी जैसा आपसे जिक्र किया कि जितनी भी तस्वीरें हैं उसमें ज़्यादातर उनके जो है जो इंसानी यानी कि खिदमत हैं, जो कि मूसी फ्लड्स के ताल्लुक से या दूसरे और जो दीगर, जैसा कि एक बहुत ख़ास तस्वीर हमने रखी है वो ये कि भेस बदल के वो रात में जो है इन डिस्गाइज जो है अपने लोगों के हालात मालूम करने, या लोगों के क्या हालात होते थे वो मालूम करने वो जाते थे, तो वो जो है हम अपने इसमें वो एग्जैक्ट वो तस्वीर हमने रखी है, और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई ऐसा भी कोई बादशाह हो सकता है कि भेस बदल के आम लोगों में जाए और उनकी कैफियत मालूम करे कि भाई उनका तुम्हारा हालचाल क्या है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखता हूँ कि तेलंगाना की हज़ार साल की हिस्ट्री जो है, जिसमें काकतियाज, कुतुब शाहीज और आसिफ जाहीज हैं, वो मैं ये चाहूँगा, गवर्नमेंट से अपील करूँगा, ख़ासतौर पे हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से, कि ये अभी जैसा मैंने बताया, काकतिया, कुतुब शाही और आसिफ जाही तारीख जो है उसके जो पॉजिटिव हाईलाइट्स हैं वो स्कूल सिलेबस में आए जाएं, ताकि हमारी जो नई नस्ल है वो हमारी तारीख से वाबस्ता हो।